मूवी की शुरुआत सुपरमैन के डेथ सीन से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन की दर्द भरी चीक से मुख्तलिफ लोकेशन पर मदर बॉक्सेस ट्रिगर हो गए हैं। एमेजोन के लैंड थेमिस्केरिया में पड़ा मदर बॉक्स ट्रिगर होने की वजह से क्रैक होता थोड़ा सा खुल जाता है, जिसके बारे में क्वीन हिप्पोलिटा को भी बताया जाता है। दूसरी तरफ ब्रूस माउंटेन से ट्रेवल करके एक्वामैन आर्थर को मिलने जाता है, क्योंकि वो लेदर की धमकी से डरा होता है, जिसके मुताबिक सुपरमैन के मरने के बाद दुनिया पर एलियंस अब इजीली कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए ब्रूस अर्थ को बचाने के लिए मेटा ह्यूमंस यानी शक्ति रखने वाले इंसानों की टीम बनाना चाहता है, लेकिन आर्थर उसकी ऑफर से इनकार करता वहाँ से सी में चला जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस वापस आकर बाकी मेटा ह्यूमंस की खोज में लग जाता है। दूसरी तरफ थेमिस्केरा में हिप्पोलिटा बॉक्स को चेक करने आती है, तो वहाँ स्टीफन वुल्फ भी पैराडेमन्स को लेकर आता है, जिस पर एमेजोन रिटेलिएट करते हैं। लेकिन जब हिप्पोलिटा उन्हें हारता देखती है तो वो मदर बॉक्स को उठाकर केव से बाहर भागती केव को सील करने का कहती है। केव के सील होने पर पूरी हिल ही सी में गिरने लग जाती है, जबकि हिप्पोलिटा मदर बॉक्स अपने सोल्जर्स को देकर जाने का कहती है, जबकि खुद मरने वाले सोल्जर्स को कंडोलेंसेस पे करती है। तभी केव से बचते हुए स्टीफन वुल्फ और पैराडेमन्स बाहर निकलते हैं और बॉक्स ले जाते सोल्जर्स की तरफ बढ़ते हैं। एमेजोन पैराडेमन्स हिप्पोलिटा और स्टीफन वुल्फ में इंटेंस लड़ाई होती है, जिसमें हिप्पोलिटा बॉक्स लेकर भागने लगती ही है कि स्टीफन वुल्फ उसे दूर गिराकर बॉक्स उठा लेता है। कि तभी उनकी दूर से लड़ाई देखते एमेजोन आर्मी उनसे लड़ने आते हैं कि स्टीफन वुल्फ वो बॉक्स लेकर चला जाता है। वो अपने हाइड आउट में बॉक्स को लेके जाके फिक्स करता है और पैराडेमन्स को बाकी बॉक्सेस ढूंढने का कहता है, जिस पर एक पैराडेमन स्टार लैब में साइलस की लैब जाता है और बॉक्स को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता, जिसके बारे में अगली सुबह साइलस पुलिस को बताता है कि वो बॉक्स पहले ही मिसप्लेस हो चुका है और उसको उसके बारे में नहीं पता। लेकिन जब वो अपने घर जाता है तो उसका बेटा विक्टर बॉक्स की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, जिसे साइलस बताता है कि उनके लैब से रात को बहुत से एम्प्लॉयज किडनैप हुए हैं और एक बच जाने वाले ने किडनैपर की डिस्क्रिप्शन पैराडेमन जैसी बताई है, जिस पर विक्टर बॉक्स की प्रोटेक्शन के बारे में टेंशन में आ जाता है। इधर थेमिस्केरा में हिप्पोलिटा एंशिएंट एरो भेजकर अपनी बेटी वंडर वुमन यानी गेट याना को मैसेज देकर वार्निंग भेजती है। उसका एरो ह्यूमन वर्ल्ड में आकर एमेजॉन्स के हिस्टोरिकल पॉइंट पर गिरता है, जहां आग लगकर सुबह तक चलती रहती है, जिसके बारे में न्यूज में देखकर डियाना उधर पहुंचती है तो आग बुझ चुकी होती है और डियाना वो एरो लेकर उसी एरिया में मौजूद एमेजॉन्स की केव में जाती है, जहां एरो लगाने पर डोर खुलता है और जब वो अंदर जाती है तो उसे हिस्टोरिकल पिक्चर से पूरी स्टोरी पता चल जाती है। दूसरी जानिब आर्थर सी में जाता है, जहां उसे उसका फ्रेंड अपना राइट यानी अपना थ्रोन लेने का कहता है, साथ ही बताता है कि कुछ इन्वेडर्स मदर बॉक्स लेने के लिए आउटपोस्ट पर अटैक कर चुके हैं और उसे सोचता छोड़ जाता है। इधर स्टीफन वुल्फ डार्क सेट के सर्वेंट डी सेट को समन करता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि स्टीफन वुल्फ डार्क सेट का सर्वेंट है, जिससे डार्क सेट खुश नहीं है। इस पर स्टीफन वुल्फ उसको खुश करने के लिए बॉक्सेस जमा कर रहा है, ताकि वो बाकी यूनिवर्स की तरह अर्थ को तबाह कर सके। साथ ही वो बताता है कि वो बॉक्स की सेंट जिस जिस शख्स के पास है उसे किडनैप करवा रहा है। सीन शिफ्ट होते हैं ब्रूस पर, जहां उसके पास डियाना आती है और उससे मेटा ह्यूमंस की टीम का पूछती बताती है कि जिस थ्रेट का वो वेट कर रहे थे वो आ गया है। डियाना ब्रूस के पूछने पर स्टोरी सुनाती है कि हजारों साल पहले डार्क सेड अपने पैराडेमन्स और मदर बॉक्सेस की ईविल फोर्स लिए अर्थ पर आया था, ताकि उनको यूनाइट करके वो अर्थ को बाकी यूनिवर्सेस की तरह अपने प्लैनेट जैसा बना दे, जिससे सब बचने वाले लोग पैराडेमन्स बन जाएंगे। लेकिन उनके सामने ओल्ड गॉड्स एमेजॉन्स एटलांटियंस ह्यूमंस और ग्रीन लैंटर्स आ गए थे, जो पहले तो पास के एक्सपीरियंस की वजह से अलग थे, लेकिन डार्क साइड के पास मदर बॉक्सेस देखकर इकट्ठे हो गए थे और मिलकर एक इंटेंस लड़ाई की थी, जिसमें डार्क साइड जख्मी होने पर भाग गया था और तीनों बॉक्सेस वहीं छोड़ गया था। एमेजॉन्स एटलांटियंस और ह्यूमंस ने फैसला किया था कि बॉक्सेस क्योंकि ईविल है इसलिए उन्हें बंद करके कहीं छुपा देंगे, जिस पर ह्यूमंस ने उन्हें जमीन में बरी कर लिया था। एमेजॉन्स ने उन्हें केव में रखा था जबकि एटलांटियंस उन्हें सी में ले गए थे, लेकिन एमेजॉन्स के पास मौजूद बॉक्स की सील खुलने पर बॉक्स ने खुद ही स्टीफन वुल्फ को अलर्ट किया था। डियाना ब्रूस को समझाती है कि अब उन्हें टीम बनाने में तेजी दिखानी होगी, जिस पर ब्रूस उसे टीम में शामिल करने के लिए मेटा ह्यूमंस दिखाता है, जिस पर आर्थर पेरी और विक्टर शामिल होते हैं,
जिनमें आर्थर तो पहले ही इनकार कर चुका होता है, इसलिए डायना ब्रूस को कहती है कि वो बैरी को मनाने जाए और वो विक्टर को राजी करने जाएगी। और उसकी बात मानते हुए ब्रूस बैरी से उसकी सीक्रेट लैब में मिलने जाता है और वो उसके बैटमैन होने के बारे में जानने पर टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। उधर विक्टर अपना पास याद कर रहा होता है कि वो अपनी मदर के साथ एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट मर गया था, लेकिन साइलस उसकी मदर के बाद उसे नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने मदर बॉक्स यूज करके साइबॉर्ग बॉडी बनाई थी। और साइलस विक्टर के लिए रिकॉर्डिंग छोड़कर जाता है जिसमें वो बताता है कि विक्टर दुनिया में हर चीज पर कंट्रोल कर सकता है और वो भी सिर्फ अपनी थिंकिंग से। साथ ही वो बताता है कि वो लोगों की जिंदगियां भी ले सकता है। विक्टर ट्राई करते हुए थिंक करता है कि एक औरत को मनी भी ट्रांसफर कर देता है। जहां वो प्रेजेंट में आता है तो उसे विंडो के बाहर पैराडेमन दिखता है जो उसे स्मेल करके वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद ही विक्टर अपने नेटवर्क से पता लगाता है कि डायना उसे ढूंढ रही है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जहां डायना उसे वजह बताती है तो वो टीम में शामिल होने से इनकार करता चला जाता है और वो मदर बॉक्स लिए अपनी मदर की ग्रेव के पास जाता है, जिधर वो ग्रेव में मदर बॉक्स को बरी कर आता है। उसके पीछे से साइलस घर आता है तो पैराडेमन उसे किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ सी में स्टीफन वुल्फ बॉक्सेस ढूंढते हुए एक एटलांटियन को पकड़ता है और उसकी मेमोरी से बॉक्स की लोकेशन पता लगा लेता है। जहां वो जाता है तो एक सोल्जर मेरा उससे लड़ाई करती है और स्टीफन वुल्फ उसे मारने ही लगता है तो आर्थर वहां आ जाता है। आर्थर और स्टीफन वुल्फ की लड़ाई में स्टीफन वुल्फ बॉक्स दिए वहां से चला जाता है और पीछे से मेरा आर्थर को समझाती है कि उन्हें आर्थर की जरूरत है और ये कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्थ को बचाए, और आर्थर ये बातें सुनता चला जाता है। उधर स्टीफन वुल्फ अपने हाइड आउट पे जाके सेकंड बॉक्स फिक्स करता है तो हाइड आउट पर डिफेंसिव शील्ड बन जाती है और डीसेट स्टीफन वुल्फ से बात करने आता है जो उसे बताता है कि वो हॉस्टेजेस से थर्ड बॉक्स की लोकेशन भी पता लगा लेगा और बहुत जल्द वो अपने एम में कामयाब हो जाएंगे। वो वहां से हॉस्टेजेस से इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ ब्रूस डायना और बेरी मिलते हैं कि उन्हें बैटमैन का इंटेल दिखता है जिसे कमिश्नर जेम्स ने ऑन किया होता है और वो उन्हें गॉथम सिटी बुला रहा होता है। जिस पर वो वहां पहुंचते हैं तो विक्टर भी साइलेंस के किडनैप होने की वजह से टीम में शामिल होने वहां आता है। जेम्स उन्हें लोगों की कंप्लेंट्स बताता पिक्चर दिखाता है जो बैटमैन जैसे शख्स की होती है और बताता है कि लोगों ने बहुत से ऐसे क्रिएचर्स को सिटी में देखा है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि वो पैराडेमन्स हैं और कहीं करीब ही हैं। जेम्स उन्हें पैराडेमन्स के जाने की लोकेशन दिखाता है तो वो अबैंडन्ड फैसिलिटी जाते हैं जहां स्टीफन वुल्फ हॉस्टेजेस से बॉक्स की लोकेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो साइलस को पकड़ता है तो विक्टर लड़ने आता है, जिसके साथ डायना भी आगे बढ़ती है तो उसमें और स्टीफन वुल्फ में 1-on-1 लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि बाकी सब पैराडेमन से लड़ते रहते हैं। विक्टर और बेरी हॉस्टेजेस को लेकर बाहर जाते हैं जबकि बैटमैन को एल्फ्रेड उसकी राइड भेजता है, जिसे लेकर ब्रूस डायना को बचाने जाता है, जिस पर अटैक करके पैराडेमन उसे बंद कर देते हैं और बैटमैन डायना और बेरी के साथ मिलकर स्टीफन वुल्फ से लड़ता है। विक्टर भी हॉस्टेजेस को छोड़कर वापस अंदर आता है और बैटमैन की राइड ऑन करके स्टीफन वुल्फ पे फायरिंग करता है, जो बॉम्ब के आने पर उसे वॉल में मारते अपने पोर्टल से वहां चला जाता है और उसके पीछे वॉल में से पानी फैसिलिटी में भरने लग जाता है। तभी वहां आर्थर आता है जो थोड़ी देर पानी को कंट्रोल करके उन्हें बचा लेता है और राइड से विक्टर कहीं निकल कर उड़ जाता है। दूसरी तरफ स्टीफन वुल्फ अपने हाइड आउट जाता है तो एक मदर बॉक्स उसे सिग्नल देता है, जिस पर वो उसमें हाथ घुसाता है तो वो उसे उस जगह ले जाते हैं जहां मदर बॉक्सेस पर 1000 इयर्स पहले वॉर लड़ी गई थी। वहां उसे एंटी लाइफ इक्वेशन बनी दिखती है, जिस पर जिस शख्स का कंट्रोल हो वो लोगों की जानों को कंट्रोल कर सकता है और डार्कसाइड इसे बहुत सालों से बहुत सी यूनिवर्सेस में ढूंढ रहा था। इसीलिए स्टीफन वुल्फ वापस जाकर डीसेट को समन करके इक्वेशन का बताता है, जिस पर डार्कसाइड खुद आता है और उसे कहता है कि पहले वो बॉक्सेस जमा करके अर्थ को अपने कब्जे में करेंगे और फिर वो इक्वेशन पर कंट्रोल हासिल करेंगे। इधर आर्थर ब्रूस डायना और पेरी लास्ट बॉक्स ढूंढने का सोच रहे होते हैं कि विक्टर उनके पास बॉक्स लेकर आता है, जो वो ब्रूस की वर्कशॉप लेकर जाते हैं, जहां विक्टर सबको बताता है कि उसके फादर ने बॉक्स को यूज करके उसे जिंदा किया था। मजीद ये कि बॉक्स चेंजिंग मशीन है जो अपने मास्टर की विल पर किसी भी जिंदा को मार सकता है और मरे को जिंदा कर सकता है। इस पर सबके दिमाग में ख्याल आता है कि वो सुपरमैन को जिंदा करके उसके
के साथ मिलकर स्टीफन से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वो अकेला ही इतना पावरफुल है कि स्टीफन वुल्फ से लड़ सकता है। और सब इस बात पे एग्री करते मान जाते हैं कि वो सुपरमैन जो कि क्लार्क है उसे जिंदा करेंगे। वो सीमेंट्री से क्लार्क की बॉडी लेकर आते हैं और उसे लैब की तरफ ले जाते हैं, जहाँ वो अलार्म बजाकर सबको बाहर भेज देते हैं और खुद क्लार्क को क्रिप्टोनियन शिप में लेकर जाते हैं। वो क्लार्क की बॉडी को एमनियोटिक फ्लूइड में डालते हैं, लेकिन बॉक्स को पावर करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए होती है। इसके लिए बैरी वॉलंटियर करता है कि वो दूर से भागता आए तो वो इतनी एनर्जी बना सकता है कि बॉक्स को मिल जाए, और वो दूर चला जाता है। विक्टर जिस मशीन से बॉक्स को पावर करने वाला होता है वो उन्हें मना कर रही होती है कि चेंजेस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ब्रूस और डायना पाजिद होते हैं कि उन्हें सुपरमैन की जरूरत है, इसलिए वो और कुछ नहीं कर सकते। उधर क्लार्क की गर्लफ्रेंड लुइस के पास मार्टियन नामी शख्स क्लार्क की अडॉप्टिव मदर मार्टा की शक्ल में आता है और उसे क्लार्क की डेथ के बाद ग्रीफ से निकलकर अपनी लाइफ जीने का कहता चला जाता है। और उसकी बात के बारे में सोचती लुइस सुबह होने पर क्लार्क की डेथ के बाद पहली दफा ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन पहले वो सुपरमैन के मॉन्यूमेंट के पास जाती है जो लैब के पास ही होता है। वहाँ वो मुड़ने लगती है कि शिप में विक्टर मशीन ऑन करता है, जिस पर उसे कुछ विजन्स आती हैं जिसमें सुपरमैन विलेन बनकर डार्कसाइड का साथ देकर सबको मार के अर्थ तबाह कर देता है। लेकिन विक्टर के मशीन रोकने से पहले ही बॉक्स एनर्जी मिलने पर सुपरमैन को जिंदा करता है और एनर्जी की वजह से बॉक्स बाहर गिर जाता है। साथ ही सुपरमैन भी बाहर निकल आता है, जिसे देखकर लुइस बहुत हैरान होती है। सुपरमैन को कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वो आसपास देख रहा होता है कि उसके पास बैटमैन के सिवाय बाकी हीरोज आते हैं, जिन्हें वो स्कैन कर रहा होता है तो विक्टर का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम ऑन होकर क्लार्क की तरफ शूट करता है, जिससे क्लार्क बचता हुआ उन सब पर अटैक करता है। और डायना के उसे याद दिलाने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। वो उनको गिराता है कि उनके पास आई आर्मी उसकी तरफ शूटिंग करती है, जिस पर वो उन्हें लेजर से हिट करता है और तब ही बैटमैन दिखता है, जिसे वो मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो सब रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर गिराता। बैटमैन के पास जाता उसे लेजर से मारने लगता है कि तब ही वहाँ लुइस आती है जो उसे याद होती है और वो उसे काम करके अपने साथ ले जाती है। सब हीरोस मिलकर आगे की स्ट्रेटेजी सोचने लगते हैं कि डायना बॉक्स के बारे में पूछती है, जिस पर हम देखते हैं कि बॉक्स कार पे गिर गया था, जहाँ से साइलस उसे उठाकर लैब ले गया था, और वहीं पर स्टीफन वुल्फ बॉक्स के सिग्नल पर आता है, जिससे बचते हुए साइलस एक क्लास के रूम में जाकर बॉक्स को लेजर के बीच में रखता है। विक्टर उधर आता है तो वो देखकर समझता है कि वो बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इसमें वो खुद ही मर जाएगा। और ऐसा ही होते हुए साइलस मर जाता है और स्टीफन वुल्फ बॉक्स देकर पोर्टल से वहां से चला जाता है। डायना, आर्थर, ब्रूस और बेरी वहां आते हैं तो सोच में पड़ा विक्टर साइलस की इन्वेंशन देख रहा होता है और उसे रियलाइज होता है कि साइलस बॉक्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था, बल्कि उसने उसे लेजर हीट दी थी ताकि हीट को ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता लगाई जा सके। और वो ब्रूस की लैब जाकर लोकेशन पता लगा भी लेते हैं। विक्टर उधर प्लान बनाकर बताता है कि अगर वो किसी तरह विक्टर को अंदर ले जाए तो वो बॉक्सेस से कनेक्ट होकर उनकी यूनिटी रोक सकता है, लेकिन इसमें उसकी जान जा सकती है, जिसकी विक्टर को कोई परवाह नहीं होती। उधर लुइस क्लार्क को उसके फैमिली होम लेकर जाती है, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता क्लार्क की मेमोरीज वापस आ जाती हैं और वो मार्था से मिलकर उसे बताता है कि उसे किसी वजह से ही रिवाइव किया होगा, इसीलिए अब उनकी हेल्प करने जाना होगा। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि पांचों हीरोज ब्रूस की लैब में होते हैं, जबकि विक्टर ब्रूस की वो राइट ठीक कर देता है जो वो बहुत अरसे से बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उस पर सवार होकर वो स्टीफन वुल्फ के हाइड आउट की तरफ निकल जाते हैं और उधर प्लान बनाते हैं कि वो टावर को तोड़ेंगे ताकि शील्ड खत्म हो सके, और फिर बैरी इतनी एनर्जी बनाकर विक्टर को देगा कि वो बॉक्सेस को यूनाइट होने से रोक देंगे। और वो प्लान बनाते हुए हाइड आउट के पास पहुंच जाते हैं, जहां ब्रूस उन्हें राइट से निकालता है, जबकि खुद वो शील्ड पर बॉम्बिंग करते अंदर जाता टावर तोड़ देता है और हीरोज को अंदर आने का कह के पैराडेमन से लड़ने लग जाता है, जिसमें हीरोज भी आकर उसकी हेल्प करते हैं। सब मिलकर पैराडेमन से लड़ रहे होते हैं कि डायना, विक्टर और आर्थर स्टीफन वुल्फ के पास जाते हैं, जो बॉक्सेस को ऑलमोस्ट तोड़ चुका होता है, और तीनों मिलकर उससे इंटेंस लड़ाई करते हैं, जिसके दौरान पैरी सर्कल में दौड़ता एनर्जी बनाता हुआ विक्टर को बॉक्सेस अलग करने का कहता है, जिस पर विक्टर बॉक्सेस के करीब जाता ही है
है कि स्टीफन वुल्फ उसे पकड़ लेता है। स्टीफन वुल्फ से छुड़वाने के लिए डायना इंटरफेयर करते हुए उन्हें नीचे गिरा देती है, जहाँ से उठकर विक्टर दोबारा बॉक्सेस के पास जाता है, जबकि स्टीफन वुल्फ डायना और आर्थर से लड़ता उन्हें दूर फेंकता और विक्टर के पास आता है, जहाँ सुपरमैन आ जाता है। सुपरमैन, आर्थर और डायना मिलकर स्टीफन को खूब मारते हैं और उनकी लड़ाई के दौरान विक्टर बैरी को एनर्जी देने का कहता ही है कि बैरी को पैराडेमन शूट कर देता है, जिससे वो रुक जाता है। और इसी दौरान पोर्टल खुलता है जिससे डार्क साइड दिखता है और उसके सामने बॉक्सेस जुड़ जाते हैं, जिससे मैसिव एक्सप्लोजन होती है। एक्सप्लोजन से बचते हुए बैरी अपना वुंड हील करता है और सोचता है कि अगर वो लाइट की स्पीड से ज्यादा जल्दी दौड़ा तो टाइम पीछे हो जाएगा, और उसके दौड़ने पर ऐसा ही होता है। बैरी दौड़ता हुआ टाइम पीछे करते विक्टर के पास आता है और उसे हाथ लगाता है, जिससे विक्टर, जो कि बॉक्सेस की वजह से ड्रीम देख रहा था, उससे निकल आता है और बॉक्सेस को अलग कर देता है। इसके बाद आर्थर, डायना और क्लार्क मिलकर स्टीफन वुल्फ को मारते हुए पोर्टल से डार्क साइड के सामने फेंकते हैं और डार्क साइड उन्हें देखते हुए पोर्टल बंद कर देता है। डार्क साइड डी सेट को समझाता है कि अभी भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि उन्हें अभी एंटी लाइफ इक्वेशन को कंट्रोल करके अर्थ को तबाह करना है। बैटल के बाद सब हीरोज अपनी लाइफ गुजारते दिखाए जाते हैं, जहां क्लार्क ब्रूस की हेल्प से अपनी फैमिली होम वापस ले लेता है। बैरी को पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है, जिससे उसके फादर बहुत इम्प्रेस होते हैं। विक्टर अपनी पावर्स को अच्छाई के लिए यूज करने लग जाता है और ब्रूस, डायना और एल्फ्रेड ब्रूस के मैंशन को टीम बनाने के लिए सिलेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ फ्लटर असाइलम से भाग जाता है और स्लेट से मिलता उसे बैटमैन की असल आइडेंटिटी बता देता है कि वो ब्रूस वेन है। इधर ब्रूस एक ड्रीम देखता है कि वो स्लेट, मेरा, बैरी, विक्टर और जोकर के साथ मिलकर इविल सुपरमैन के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि बैटमैन ने लुइस को मार दिया था, इसीलिए सुपरमैन को अपनी मेमोरीज नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो इविल ही रह गया था। ब्रूस ड्रीम से उठता है तो उसे मार्टियन मिलने आता है, जो उसे बताता है कि इविल की लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो एंटी लाइफ इक्वेशन के लिए वापस आएंगे। साथ ही उसे टीम बनाने पे अप्रिशिएट करता वहाँ से चला जाता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।